गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ टेंथ क्लास, प्रमोटेड टेंथ क्लास। इसके पहले हम टेंथ क्लास पढ़ा चुके थे, क्या पढ़ा चुके थे? हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या पढ़ा चुके थे? नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, पार्ट वन पढ़ा चुके थे। पार्ट टू जो भी स्टूडेंट होगा उसको सुनने की कोशिश करेगा, शांति से समझेगा, क्योंकि ये सोशल स्टडी है, सभी विद्यार्थी को पढ़ना है, तैयारी करना है। कौन सा पॉइंट्स? ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ प्रिपेयर फॉर द सीबीएसई एग्जाम दैट इज टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च नेक्स्ट ईयर 2021। तो जहां तक सोशल स्टडी का सवाल है, चार सेक्शन है, जो विद्यार्थी जिसके पास बुक होगा, स्टूडेंट के पास घर पर टोटल उसको अध्ययन करेगा, स्टडी करेगा, वर्ड मीनिंग लिखेगा, उसके बाद हम जो पढ़ाएंगे उसको डाउनलोड करेगा, ब्रेन में समझेगा, उसको एनालाइज करेगा, मंथन करेगा, इंट्रोस्पेक्ट करेगा, शांति से वो सरल हो जाएगा। और उसका सारांश समझने के बाद, सारांश समझना है, खासकर समझना है डेट, आदमी का नाम, जगह का नाम, खासकर हिस्ट्री के लिए। और उसके बाद क्या करना, डाउनलोड के बाद हैंड को फास्ट करना है, और उसके बाद कॉपी को फास्ट करना है, और उसको मंथन करके शांति से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है। ऐसा करने से पूरा हल हो जाएगा। अभी पीरियड चल रहा है लॉकडाउन का, तो लॉकडाउन के पीरियड में भी संभव नहीं स्कूल कब खुलेगा, लेकिन नहीं पढ़ाया जाए, नहीं जो है तो कोर्स हो जाएगा बैक, एक बार पूरा पढ़ाने से खतरनाक हो जाएगा। इसलिए पढ़ना है धीरे धीरे, कोशिश करना है। जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है ठीक से जैसे पढ़ा रहे हैं, तो वो अपना कॉमेंट कर सकता है माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से, और सभी को डिजिटल से लेस होने की कोशिश करना। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ टेंथ क्लास वुड ट्राई टू लिंक विथ डिजिटल सो दैट यू मे हाईली बी बेनिफिट इन योर होम पीसफुली विदाउट प्रेशर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं टेंथ क्लास को, चैप्टर का हिस्ट्री, चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट टू। इसके पहले हमने पढ़ाया था हाला, थोड़ा सा इजी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसमें थोड़ा सा कुछ बचा हुआ था, उसको जा रहे हैं बोलने के लिए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922, इसका मतलब क्या, असहयोग करना। असहयोग कौन करेगा, भारतीय, किसके नेतृत्व में, गांधी के नेतृत्व में। ये पास कहां हुआ, 1920 नागपुर अधिवेशन, ये पास, इसका बीज कब हुआ गया था, इसका बीज रूपांतरण कब हुआ था, रोलेक्ट एक्ट जो हुआ था 1919 में, उसी पीरियड में, और इसमें गांधी नेतृत्व किया। इसमें इंडिया का सभी सेक्शन का लोग, खास कर मिडिल क्लास, लोअर क्लास का लोग भाग लिया, जमींदार को छोड़ दिया जाए, राजा रियल एस्टेट को छोड़ दिया जाए, राजा को छोड़ दिया जाए, टोटली एस्टेट को, वो लोग भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया, उसको लाभ मिल रहा था इंग्लिश मैन से, यानी जो रिच मैन थे, पैसा और मनी मैन थे, वो लोग भाग नहीं लिया था। तो इसमें भाग लिया था कौन कौन, वेबर, वेबर का मतलब कपड़ा बुनने वाला, वो भी परेशान थे, किसान भी परेशान थे, सभी के परेशानी का कारण अलग था, ट्राइबल भी परेशान थे, और ट्राइबल खासकर परेशान थे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहा, गुडेन हिल, हिल क्या, पहाड़ी, पहाड़ी किसको बोलते हैं, माउंटेन से छोटा, ट्राइबल एरिया में, किसके नेतृत्व में, सीताराम राजू के नेतृत्व में। आंध्र प्रदेश का मतलब साउथ इंडिया, पूरे इंडिया पर उसका कब्जा था। क्यों पाट लिया, कारण क्या था, पूरे ट्राइबल को जंगल से निकाल दिए, उसका कस्टम खत्म हो गया, रीति रिवाज खत्म, साथ साथ भोजन प्राप्त हो गई, यानी लेवलिट जो है, जीविका जो है, वो भी खत्म हो गया। तो अंत में क्या किया गया, जानवर जो पोसे, चारागाह नहीं मिला, पास्चर भी नहीं मिला, वो लोग बड़े पैमाने पर विद्रोह किए। विद्रोह में वो लोग क्या करते थे, वहां पर गुरिल्ला वार, इसका मतलब क्या, छापा मार जूझ, छापा मार जूझ का मतलब क्या, बिना इंग्लिश मैन के खेमा पर, उसके कैंप पर, बिना सूचना दिए, बिना आदेश के अचानक सडन अटैक करना, आक्रमण करना, या बड़े पैमाने पर कारतूस लूटना, लूटना और एमुनिशन लूटना, और अंग्रेज ऑफिसर को बड़े पैमाने पर मार मारना। तो ये काम कौन किया था, ये सीताराम राजू के नेतृत्व में गुरिल्ला हुआ, और सीताराम को पता था, वो सुना था महात्मा गांधी के बारे में, और कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में बहुत लोगों से जुड़ा, पूरा आशा था कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में हम लोग को छुटकारा मिल जाएगा इंग्लिश मैन से, और वो अपनी बात किसको कहा, वहां के ट्राइबल को।
सीताराम राजू को इंग्लिश मैन ने पकड़ लिया और पकड़ने में क्या किया, 1924 में सीताराम राजू को एक्सक्यूट कर दिया, यानी उसको भी फांसी पर चढ़ा दिया गया 1924 सीताराम राजू। और हम चलते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में क्या बोला जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त राज बोला जाता था उत्तर प्रदेश को। और संयुक्त राज्य में अवध था, लखनऊ था, वहां पर भी किसान ने बड़े पैमाने पर क्या किया, असहयोग आंदोलन में भाग लिया। क्यों भाग लिया, किसान परेशान क्यों, बड़े पैमाने पर टैक्सेस किसके द्वारा, अंग्रेज अधिकारी के द्वारा, जमींदार के द्वारा, तालुकदार के द्वारा, पूरा परेशान किसान, फसल हो नहीं हो लेकिन परेशानी ज्यादा। वहां पर महात्मा जवाहरलाल नेहरू भी गए थे 1920 में, अवध किसान सभा की वहां स्थापना हुई, उसमें बाबा रामचंद्र भी थे, नेहरू भी थे, यानी बड़े पैमाने पर किसान एकजुट होकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया, वेफर भाग लिया, साथ साथ ट्राइबल भाग लिया। और उस जमाने में सबसे ज्यादा खेती होती थी क्या चीज का, चाय का, आसाम में। आसाम में जो खेती होती थी वहां पर, तो जो भी वहां प्लांटेशन वर्कर थे या चाय के बगान में काम करने, वो बड़ा बहुत परेशान थे। परेशान क्या चीज के थे, यानी उसको बंधुआ मजदूर बनाया गया था इंग्लिश मैन को, बॉन्डेड लेबर। और स्थिति ऐसी थी कहूं जाना नहीं था घर, इसके लिए इंग्लिश मैन ने क्या क्या एक एक्ट को पारित किया, उस एक्ट का नाम था इमाइग्रेशन। वो पारित कब हुआ, 1859 में। उस एक्ट का मतलब क्या था कि यहाँ पर जो है तुम लोग बिना परमिशन का, बिना अनुमति का घर नहीं जाना है, यानी काम कीजिए, भोजन कीजिए, और कॉलोनी जो बना हुआ है, घर जो बना हुआ है, क्वार्टर उसमें रहना है। जब वहां पर प्लांटेशन वर्कर आसाम में गांधी जी के नेतृत्व में नाम सुना, असहयोग में सभी लोग भाग ले रहे हैं समाज का, तो हम लोग भी भाग ले, वो लोग भी भाग लिया, प्लांटेशन वर्कर काम छोड़ दिया, भाग गया बिना अनुमति का, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। इंग्लिश मैन का अधिकारी पकड़ लिया, पकड़ने के बाद उसको पिटाई किया और उसके बाद फिर उसको जेल में डाल दिया गया। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडिया का जो है सबसे बड़ा मूवमेंट, सबसे सब लोग इसमें भाग लिया, समाज का ज्यादा महिलाएं भाग ली, बड़े पैमाने पर विदेशी कपड़ा की होली जलाई गई, वकालत जो वकील करता था कोर्ट में उसको बहिष्कार किया। क्यों बहिष्कार किया, ये संस्था कोर्ट है इंग्लिश मैन का, स्टूडेंट बहिष्कार किया, शराब की दुकान को लूटी गई, विदेशी कपड़े को होली जलाई गई, पूरे चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। गांधी ने 1924 में पूरा असहयोग आंदोलन के दौरान नेतृत्व किया, कहां पर, उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस, वो कहां, गोरखपुर, गोरखपुर में कहां, चौरा चौरी प्लेस, वहां पर गांधी आगे जा रहे हैं, पीछे जो है फॉलोअर्स है, डेमोस्ट्रेटर है, लेकिन उसमें कौन था, एंटी सोशल एलिमेंट्स, उसके पास क्या था, क्रॉसन वायल था और साथ साथ माचिस था। जैसे वो लोग क्रॉस कर रहा था, एक रास्ते में थाना जो है वहां मिला, कहां मिला, चौरा चौरी जगह पर, वहां पर क्या किया लोग, थाना में आग लगा दिया, जिसके कारण कौन लगा दिया, डेमोस्ट्रेटर बड़े लगभग 20-22 जो है सिपाही पुलिस मारा गया, चाहो तो हाहाकार मच गया, कोहराम मच गया। गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। क्यों कर दिया, गांधी जी के कहना था ये आंदोलन जो होगा ये होगा नॉन वायलेंस, वायलेंस पर नहीं। अंत में गांधी को पकड़ लिया गया 1924 में फरवरी के मंथ में, गांधी को जेल दे दिया गया, लेकिन गांधी को दे दिया गया जेल 6 बरस के लिए। गांधी की तबीयत खराब हो गई, गांधी को क्या किया गया, 2 वर्ष में निकाल दिया गया। यानी 1900 घटना हुई थी 1922 में, और गांधी को 1924 में जेल से बाहर निकाल दिया गया। इसी दरमियान 1923 में पूरा इंडिया का कोई भी नेतृत्व करता नहीं था, आंदोलन करने वाला नहीं था। क्यों नहीं था, बड़े बड़े नेता जेल में थे और स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई। तो इसमें कुछ आंदोलन को चलाने के लिए क्या किया गया, उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू का घर था, घर का नाम क्या था, आनंद भवन, वहां पर कुछ लीडर का मीटिंग हुई, उसमें थे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, केलकर, ये लोग क्या किया वहां पर, स्वराज मूवमेंट चालू किया 1923 में 1 ईयर के लिए, यानी कुछ आंदोलन को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि गांधी जी जेल में है, क्रांतिकारी का जो है मनोबल टूट चुका है, लेकिन वो जो है स्वराज आंदोलन वो उतना सक्सेस नहीं हो पाया। गांधी फिर निकले, फिर अपना आयोग की तैयारी किए। ये जो है हमारा जो है ये जो है 1924 में गांधी आ गए।
अब हम कुछ फोकस कर रहे हैं आई की ओर, सिविल टेंथ क्लास सिविल डिसओबिडिएंट मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट मूवमेंट भी। ये चालू कब हुआ 1930, समाप्त कब हुआ 1934। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य इसलिए था क्या था कि इंग्लिश मैन ने जितना भी इंडियन फैनल मैन्युफैक्चरिंग था भारत के भारतीय द्वारा बनाया हुआ कैपिटलिस्ट के द्वारा उसको बंद करा दिया। नमक का दाम ज्यादा बढ़ गया, यानी नमक का दाम बढ़ा दिया और इंग्लिश मैन का फैक्ट्री चालू हो गया। गांधी जी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम से ये जो है सिविल डिसओबिडिएंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। कहां से? साबरमती आश्रम। कहां जाना था? दांडी। साबरमती और दांडी दोनों कहां? गुजरात। लगभग 240 किलोमीटर, कितना फॉलोअर्स? 78 फॉलोअर्स। एक दिन में लगभग 10 किलोमीटर दूरी तय करना। और ये जो है चालू हुआ वहां से 12 मार्च से और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचा लो। इसमें इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर भाग लिया कैपिटलिस्ट, पूंजीपति भी, सिविल नहीं, पूंजीपति में कौन? बिरला, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजिनी नायडू, लेडी राइटर पूरा, उसके अलावा लेडी जो थी एजुकेशन मिनिस्ट्री भाग ली, उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की वाइफ जो था कमला नेहरू वो भी, विद्यालक्ष्मी पंडित भी, यानी एजुकेशन लेडी एजुकेशन ईस्ट भी, कैपिटलिस्ट भी और साथ साथ वर्कर्स भी। कौन सा वर्कर्स? रेलवे का वर्कर्स, माइन वर्कर्स। माइन कहा? झारखंड का वर्कर्स। झारखंड में कहा? रांची का वर्कर्स भाग लिया। डॉक वर्कर्स, डॉक का मतलब जो शिप में काम करता था सिविल डिसओबिडिएंस मूवमेंट में। कारण क्या था? वो लोग परेशान थे किससे? इंग्लिश मैन से। काहे के लिए? उसके क्रुएल्टी से, अत्याचारी, टायरनी से, कि हमको देश को आजाद कराया जाए। सिविल डिसओबिडिएंस मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम ने कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया। और उस पीरियड में गवर्नर जनरल था कौन? था लॉर्ड इरविन। 11 डिमांड्स दिया गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखकर, 1931 में डिमांड को पूरा किया जाए। बहुत डिमांड था कि सॉल्ट को हटाया जाए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए, लेकिन इरविन ने बात नहीं मानी। तब क्या हुआ? उस पीरियड में गांधी जी कहां गए? वो अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ, अन्य नेताओं के साथ जहाज द्वारा कहां गए? वो गए ब्रिटिश। ब्रिटिश में कहां? लंदन। लंदन में कहां? पार्लियामेंट। और उसमें पार्लियामेंट में कौन नेतृत्व कर रहा था? वहां पर मेक डोनाल्ड वहां था, क्या था? पीएम था। राउंड, यानी कहने का मतलब राउंड कॉन्फ्रेंस जो हुआ, फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड, दोनों से 30 फर्स्ट 1931, सेकेंड 1932, थर्ड। गांधी ने किसको कहां पर गए, कब गए? वो 1931 सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में इन्वाइट वहां पर किया गया। तो राउंड कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट में आज के डेट में वहां पर 640 एमपीज है। इंडिया कंपेयर हम करते हैं, इंडिया एमपी कितना है? 543। वहां कौन था पीएम? मेक डोनाल्ड। राउंड टेबल का मतलब पूरा टेबल गोला टाइप का, चारों तरफ कुर्सी। वहां बैठना था, गांधी से बात करना था, गांधी के और लीडर से, उसका साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी थे, लेकिन बात नहीं बनी गांधी का, इसलिए नहीं बनी। अम्बेडकर वहां पर लड़ गए। किससे? अम्बेडकर ने डिमांड किया, मैकडोनाल्ड ने क्या डिमांड किया? कि जो भी दलित है इंडिया में उसके लिए चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी उसके लिए अलग निर्वाचन। गांधी ने कहा यह नहीं संभव है। अंत में गांधी अपन डिमांड वहां नहीं रख सके, वो रखा कौन? अम्बेडकर। स्थिति ऐसी हो गांधी को बैरन लौटना पड़ा, अम्बेडकर को साथे और नेताओं को, जो डिमांड पूरा नहीं हुआ। फिर से यहां पर चालू हो गया सिविल डिसओबिडिएंस, यानी 1932 में इंडिया में ये ऐसा आंदोलन है सिविल डिसओबिडिएंस मूवमेंट, ये रिलॉन्च हुआ, दोबारा चालू हुआ। क्यों चालू हो गया था? बीच में क्यों बंद हो गया था? क्यों? गांधी गए हुए थे इंग्लैंड। ऐसा इंडिया में कोई भी आंदोलन रिलॉन्च नहीं हुआ, दोबारा चालू नहीं हुआ।